मैं सोच रहा हूँ कि ओला से करूँ, लेकिन मेरे को बस यही है कि ओला से करने के लिए फिर मेरे को चार्जर साथ में लेके चलना पड़ेगा और बहुत सारा टाइम, क्योंकि ओला कुछ चार्ज होने के लिए लगते हैं करीब करीब 6-6.5 घंटे का अप्रोक्स आराम से लगते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, कुछ जाओ अंदर कुछ जाओ, तेरे प्राइस के लिए है। ज़्यादा बढ़िया चीज़ क्या रहेगी कि आप लोगों को मज़ा आए, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल। गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज एक और दिन नया वीडियो। मैं चाहता था कि ऑडियंस से बात की जाए इस बारे में कि आजकल व्हीकल जो इलेक्ट्रिक है सिर्फ उस पर ही वीडियो बनाए, या फ्यूल का जो है फ्यूल वाले व्हीकल से जो अपने आरसी है उस पर वीडियो बनाए। दोनों के फायदे भी है, दोनों के नुकसान भी है। फ्यूल वाली गाड़ी है उनका मेंटेनेंस वगैरह, और उसको फ्यूल का है मेंटेनेंस का है, फ्यूल में मतलब थोड़ा हाईली पड़ता है पेड़, और जो बैटरी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें तो कुछ ऐसा हाई पड़ता ही नहीं है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मतलब इलेक्ट्रिक में खर्चा क्या है, खर्चा कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है लेकिन वो एकदम कम है, मेंटेनेंस नहीं है, बढ़िया जाओ आराम से। बस ये है कि उसमें एक डिसएडवांटेज थोड़ा सा तो है कि भैया रेंज कम है, तो उस हिसाब से मेंटेनेंस करके जाना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ओला से करूँ, लेकिन मेरे को बस ये है कि ओला से करने के लिए फिर मेरे को चार्जर साथ में लेके चलना पड़ेगा और बहुत सारा टाइम, क्योंकि ओला कुछ चार्ज होने के लिए लगते हैं करीब करीब 6-6.5 घंटे का अप्रोक्स आराम से लगते हैं, इसको चार्ज करने के लिए टाइम लगेगा ही लगे, और इसकी रेंज बढ़ नहीं सकती। ओला से जनरेशन 2 आ रही है उसकी तो फिर भी थोड़ी रेंज और बढ़ी है, लेकिन वो भी इतनी इनफ तो नहीं है, लेकिन मेरी वाली की तो बिल्कुल ही कम है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसके अलावा फिर टाइम चार्ज करने में लगेगा वो अलग है। ये रही एक्सपल्स एक और कम हाइट वाली, फ्यूल में मेंटेनेंस पर खर्चा ज़्यादा है, दोनों का अपने अपने प्रॉफिट है, अपने अपने फ़ायदे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ज़्यादा बढ़िया चीज़ क्या रहेगी कि आप लोगों को मज़ा आए, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल। देखो नो डाउट पेट्रोल की ओल्ड उस हिसाब से तो हो ही नहीं सकती, जो फील पेट्रोल में है ना वो इलेक्ट्रिक में कभी नहीं आ सकती, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिक पे आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पे ही वीडियो बनाए जाए। सजेशन तो यही है, मेरे को किसी ने दिया भी यही है कि इलेक्ट्रिक पे बनाए जाए। फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं, जूता लेने पैरों का, ब्लॉगिंग के लिए बना रहे थे, थोड़ा बहुत पागल हो जाता है, मिस्टर बीस से इंस्पायर हो रहा है वो भी हरकतें पागल इसी करता है, ये भी करता है, बस वो उसके पास पैसा है इसलिए वो अच्छा लगता है। अभी जा रहे हम जूते लेने, एकदम बजट गेल, सस्ते सुंदर और काम चलाओ टिकाऊ भी। टू टुडू टुडू, तो अभी एक जगह देखा वहाँ पसंद नहीं आया। हाँ 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 हाँ, आ जाओ आ जाओ, कुछ जाओ अंदर कुछ जाओ, इसके टंग पागल लोग है, कोई कट ओवरटेक करने की जगह इसके साथ लमा दिए, ये घूमते रहो भाई। लेकिन ये 1000 रुपये के तो नहीं मिलेंगे, ये शोरूम है, तेरे प्राइस के नहीं है, अभी कह रहा हूँ मैं फालतू तय। लेट्स सी कहाँ मिलता है इसको। वो वाली बात है, उसका सही है प्राइस, अपना बजट नहीं है। तो बहुत सारी माता पूछी के बाद अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, रेड टैप 2 स्टोर देखने के बाद भी कुछ भी पसंद नहीं है, घर जा रहे हैं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बहुत लंबा 1-1.5 घंटे माता पूछी करने के बाद रिजल्ट ये निकला कि हमने कुछ नहीं लिया, कछू नहीं लियो कछू, बस ये है कि बैटरी वाली गाड़ी है, दिक्कत नहीं है, कहीं भी घूम सकते हैं। उसके लिए कमेंट जरूर करना कि इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जाना चाहिए लॉन्ग राइड पे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस होगी वो तो करेंगे, लेकिन तो उसके लिए कमेंट जरूर करना और हमें जरूर बताना क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, जब तक के लिए बाय, कल जाएंगे होने वाली है।